एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे विष्णु भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी शरीर त्याग दिया और वह भी स्वर्ग लोक आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह ब्राह्मणी विष्णु भगवान के पास गई और कहने लगी, भगवान मैंने अनेक व्रत किए, पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर विष्णु भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षट्तिला एकादशक का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने गई तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षट्तिला एकादशी का महात्म्य पहले मुझसे कहिए। उसमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षट्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि वह ना तो गांधर्वी है ना ही असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षट्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षट्तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।